स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। पता नहीं, मैं जब भी ब्लॉग बनाने बैठता हूँ तो मैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। सोचता हूँ ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गजब बेइज्जती है, पर कुछ नहीं होता बाकी, और नर्वस हो जाता हूँ मैं उल्टा। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। तो जो भी कंपोनेंट्स मैं अपने पीसी बिल्ड के अंदर यूज़ करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि मैं मॉनिटर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कैबिनेट कौन सा है मेरे पास, प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, रैम कितनी यूज़ कर रहा हूँ, एडिटिंग के लिए कैसा है ये पीसी और गेमिंग के लिए कैसा है, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सिंहासन से। मैं इसको चेयर नहीं बोलता, मैं इसको सिंहासन ही कहता हूँ, जो कि हेडरेस्ट के साथ भी आता है, बैक सपोर्ट के साथ भी आता है और साथ में आर्म सपोर्ट भी है। तो काफ़ी अच्छी चेयर है, 8-10 घंटे के हिसाब से अगर आपको ऑफिस चेयर लेनी है या फिर घर में यूज़ करना है तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की ये चेयर है। मैंने ये ऑफलाइन परचेज करी थी कीर्ति नगर से, 8,500 के आसपास मेरे को मिली थी। और अगर आपको ये ऑनलाइन लेनी है तो ये 10-15 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगी आराम से। बट मैं तो कहूँगा कि आप ऑफलाइन ही लेना, ऑफलाइन आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और साथ में ये मैंने चेयर जो है पूरी की पूरी अपने सामने बिल्ड करवाई थी। तो बाकी का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना नीट एंड क्लीन है। ये मेरा ट्राइपॉड है जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा था। और ये दोनों, वैसे बात करी जाए यूबोन का, ये भी है और यूबोन का कीबोर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ। कीबोर्ड की हालत देख लो आप, कितना अच्छा लग रहा है, साफ साफ एकदम साफ साफ आपको सारी मिट्टी दिखेगी। और ये SSD है 1 TB की। ये है माइक जो मैं फोटोनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, -7, जिससे अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं। ये विंगा जोई का मोबाइल स्टैंड है और साथ में ये फिंगर्स, ये वाली फिंगर्स नहीं है, ये स्पीकर वाली फिंगर्स है। तो बाकी हंसी मजाक तो होता रहेगा। ये छोटे मिनी स्पीकर्स लगा रखे हैं, बाकी का नीचे मैंने ये बड़ा साउंड सिस्टम लगा रखा है गाने वगैरह सुनने के लिए, और बाकी का नॉर्मल यूज़ के लिए मिनी स्पीकर्स हैं। बाकी की बात करी जाए इस मॉनिटर की, तो इस 27 इंच का IPS पैनल है जिसका जो HP की तरफ से है और इसका मॉडल नंबर है M27FD। ये पुराना 15-16 हज़ार के हिसाब से काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का ये मॉनिटर है। और कलर एक्यूरेसी इसकी 99.9% RGB है। अगर एडिटिंग के पर्पज से आपको लेना है तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बाकी का गेमिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है, 75 हर्ट्ज़ का है, बेस्ट क्वालिटी है। बाकी की बात करें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये RGB पैनल है जो कि मैं यूज़ करता हूँ कई कार लाइटनिंग वगैरह के लिए। ये इसका वाईफाई है जो मदरबोर्ड से अटैच है। बाकी का ये कैबिनेट है, गैलेक्सी रेवोल्यूशन 05, 4 RGB फैन के साथ आता है। एयर फ्लो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा साइज है इस कैबिनेट का। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप दोनों तरीके से इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो RGB फैन से इनका कलर हम सिंक नहीं कर सकते, मतलब ये और हमेशा ऐसे चलते हैं। कईयों को लगता है ये स्पीकर है, जिनको नहीं पता। बाकी की बात करी जाए रैम स्टिक की, 4 RAM स्टिक यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, 8-8 GB की, 32 GB की रैम है, 3200 MHz की। ग्राफिक कार्ड मैंने इसके अंदर लगा नहीं रखा, आने वाले टाइम में ज़रूर लगाऊंगा। बाकी के जो मैं इसमें जो NVMe यूज़ कर रहा हूँ मैं, M.2, 1 TB की SSD है। और जो प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोसेसर है इसमें i5-13400, काफ़ी अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है। बाकी की जो इन सबको चला रहा है वो पावर सप्लाई 650 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो काफ़ी मतलब अच्छी खासी एडिटिंग ये मेरे को करवा देता है, मतलब अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ वैसे, और आने वाले टाइम में भी सीखता ही रहूँगा। जैसे जैसे सीखता रहूँगा वो, ये बाकी का मेरा चैनल है देख लो आप, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो यार, वीडियोस वगैरह देखो, बड़ी मेहनत करता हूँ। अब
कंसिस्टेंट रहूंगा इन सब चीजों में थोड़ा बहुत, बाकी का इन सब चीजों पर ध्यान मत देना आप, काफी ज्यादा देख ही रहे होगे आप कितना साफ सुथरा रखता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है जरूर करें, और अपना कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं इस वीडियो के नीचे, थैंक यू सो मच। और हाँ, जितनी भी इसमें चीजें यूज करी हैं वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थैंक यू सो मच।